इधर सर 25 पेटी बना देते हैं। इधर वो केक भी जो भरी रखी है सर, ये सर ये इसी से बनाते हैं पूरा। क्या क्या है तुम्हारे पास? ये होलोग्राम वहीं से लाते हैं, पहले भी वहीं से लाए। हाँ वो होलोग्राम भी वहीं से लाए थे। अपने अपने ये है सर, ये सर खतौली साइड से कहाँ से आता सर? की फोन पर बात होती है, फोन पर बात होती है, अपना आप लेकर चला जाता। और गुजर वाली अब पीछे बीजेपी लिखा हुआ है भाई, दिखाओ भाई। मतलब 20-25 हज़ार पर रोज कमा रहे हैं मजे से, बर्थडे ना कुछ करना ना ये तो कह रहे हो ना कुछ करना ज्यादा हो गए सर। साइकिल किसकी है? साइकिल हटाओ भाई, आ जाओ। सही है, एक जना बैठो, एक ही ओए इस पार आज आ रहा है। उधर लिया ना बनाने वाला ये टैंकर वाले थे सर। कहां कहां टैंकर वालों को फोन किया? हां उन्होंने अपने छोटी गाड़ी से मिल कर दी, छोटी गाड़ी मैं अपनी भर के रखती 8-10 एक आने, और हमारे को फोन कर दिया कि भैया आ जाओ। तुम कहां से लाते हो? और कोई भी बता रहा है तो अब हमने ऐसी फैसिलिटी देख के ना अपनी, जैसे कि माहौल ठीक सा देखा, जहाँ से देखो मासूम सा गाड़ी पकड़ ली और गाड़ी लाकर फिर वापस कर दी। टैंकर पकड़े हाँ उन्हें कितनी पेटी बना देते हो एक दिन में? 20 से 25 पेटी बना देते हो? आज रात बना रहे थे? नहीं बस सर जी हम तो तैयार करते रात बनाए थे, रात को अब जो सुबह के टाइम दिया। और कितनी पेटी है तुम्हारे पास? 25 पेटी है। गाड़ी कहाँ से मंगाते हो? अपनी है। कौन सी? आई टेन से डोरा जा ही नहीं रहा कोई ले शादी लाल की फैक्ट्री में जा ही नहीं रहा, घर पे ही ये थाना मंडी क्षेत्र में जो कुकड़ा गांव है उसके जंगलों में नए मकान बने हुए हैं
और उससे सटे हुए, वहाँ पर एक दुमंजिला मकान है जो कि नया कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर शराब बनाने की पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई है, इसके अंदर बॉटल्स पकड़ी गई हैं, जो शराब बनाने का जो मटेरियल है वो पकड़ा गया है। इसके अलावा जो सीलिंग मशीन है वो पकड़ी गई है, बार कोड पकड़े गए हैं, और जो उसका प्रिंटेड मटेरियल है जो तोहफा ब्रांड का जो उसका कवर है वो पकड़ा गया है। इस तरह पूरा का पूरा पकड़ा गया। इनके द्वारा ये बताया गया है कि 30 से 35 पेटियाँ ये डेली सप्लाई किया करते थे और विभिन्न विभिन्न लोगों को ये ऑन डिमांड सप्लाई किया करते थे। फ़ोन से इनका पूरा का पूरा व्यापार चल रहा था। एक i10 गाड़ी है जिसके अंदर ये सप्लाई करने जा रहे थे। आज का जो बना हुआ माल था वो पकड़ी गई है और दो लोग अभी फिलहाल इसमें पकड़े गए हैं, लेकिन एक लंबा रैकेट है और बहुत जल्दी इसे क्रैक किया जाएगा। सर लगभग कितने महीनों से कार्य चल रहा है? देखिए, इनके द्वारा तो बताया कि 1.5-2 महीने से, लेकिन मुझे लगता है कि लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। और पहले भी डिस्टिलरी में, मंसूरपुर वाली डिस्टिलरी है, उसमें ये काम कर चुके हैं और ये वहीं से ये सारी चीज़ें सीखी हैं और यहाँ पर आकर बनाकर जो जहरीली शराब है, जो अवैध शराब है, उसको बनाने का काम कर रहे हैं। सर पूछताछ में बताओ किस तरह बनाते थे और सप्लाई किस तरह क्षेत्र में थे? देखिए, इन्होंने अभी बना के भी दिखाया, बोतल को पूरा भर के बना के दिखाया और उसे सील किया है, उसका बारकोड उस पर लगाया हमारे सामने, और ये पूरी पेटी करीब 1 लाख बोतल्स का यहाँ पर मटेरियल इनके पास है, जो जिससे 1 लाख बोतल्स बना सकते हैं। लंबा रैकेट है और बहुत जल्दी इसे क्रैक किया जाएगा। सर गाड़ी भी पकड़ी गई है, सर डीजे भी लिखा है। हाँ, जो अभी आपके सामने जो i10 गाड़ी है, इनमें से एक अभियुक्त की है और इसके ऊपर पीछे इन्होंने अपने बचने के लिए बीजेपी का कलर से बीजेपी लिख रखा है। आगे इन्होंने अगली प्लेट हाफ इनकी टूटी हुई है ताकि अगर ये भागें तो कोई पहचान ना पाए। बाकी अभी और डिटेल पूछताछ होगी तो इसमें लंबा रैकेट निकलेगा। सर गिरफ्तार करने वाली टीम को कोई नहीं? हाँ, मैंने जो गिरफ्तार करने वाली टीम है उसे 5,000 रुपये का इनाम दिया है।